ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ना केवल बुर्किना फासो, और भी जो कंट्री जो कॉन्टिनेंट हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें हमें देखने को मिलते हैं क्या कौन कौन से ऐसे अभी देश हैं जिनमें अभी क्या हुआ है मिलिट्री का रूल लागू हो गया है और वहां पर डेमोक्रेसी है जो छिन गई है। तो आइए हम जानते हैं कि जो अभी तख्ता पलट हुआ है बुर्किना फासो में, इसमें हुआ क्या। जो मोस्ट स्टेबल कंट्री थी अगर 2015 से पहले की बात करें, लेकिन 2015 के जैसे ही वहां पर जो जिहादिस्ट वायलेंस देखने को मिली, अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है क्या बुर्किना फासो। अभी मंडे को क्या हमें देखने को मिला, मंडे को हो गया कू, बोलते हैं क्या तख्ता पलट, तख्ता पलट हमें देखने को मिला और जो सोल्जर है ओवरथ्रो कर दिया वहां की डेमोक्रेसी को। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी प्रेसिडेंट रोच मार्क क्रिश्चियन कोपोर, इसको क्या किया अभी मिलिट्री ने क्या कर दिया ओवरऑल कर दिया उन्हें, और डायरेक्टेड रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला ग्रोइंग इनस्टेबिलिटी आई और गवर्नमेंट फेल हो गई। तो आप देखना होगा हमें कि कैसे ये टैकल होती है सारी सिचुएशन। जो बुर्किना फासो है दे टर्न अ वास्ट कंट्री साइड लैंड लॉक कंट्री। बुर्किना फासो की अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये आपको नाइजीरिया मिलेगा, नाइजीरिया आपको पता होगा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे पॉपुलेस्ट कंट्री है नाइजीरिया, नाइजीरिया हो गया नाइजीरिया और ये माली हो गया, और साथ ही ये आइवरी कोस्ट हो गया, घना हो गया, टोगो हो गया और वेलिन हो गया, ये सारी बुर्किना फासो जो लैंड लॉक कंट्री है इसको क्या करती है इसकी वाटी को टच करती है। और इसकी जो राजधानी की बात की जाए तो राजधानी आपको मिलेगी ओगाडोगो, ओगाडोगो इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हुआ क्या इसमें, इसमें अभी बेसिकली आपको ये देख रहा होगा पूरे ये साहेल रीजन बोलती है, ये पूरा साहेल रीजन आपको देखेगा, ये हो गया साउथ सूडान, ये हो गया सॉरी ये हो गया साउथ सूडान, ये हो गया सूडान। पहले ये पूरा अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री था, लेकिन जैसे ही इसको स्प्लिट हुआ, इसका विभाजन हो गया तो ये दो पार्ट में बट गया, एक हो गया सूडान और एक हो गया साउथ सूडान। आपको बताना है कि जो नील नदी है वो कहां से निकलती है, तो नील नदी के बारे में आपको बताना है। और ये हो गया क्या इथोपिया, और ये आपको मिलेगा क्या है इधर रेड सी, यहाँ आपको रेड सी देखने को मिलेगा। और ये हो गया चाड, और ये पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है इसे बोलते हैं साहेल रीजन। इस रीजन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस रीजन में क्या अभी स्टेबिलिटी थी जो वो छिन चुकी है और अब घमासान युद्ध की कंडीशन बनी हुई है इस पूरे रीजन में। ये हो गया नाइजीरिया, ये हो गया सॉरी ये हो गया नाइजीरिया, ये हो गया नाइजर, और ये हो गया माली, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या बुर्किना फासो, इसी की हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम वापस आते हैं अपने एडिटोरियल पे। इसमें अभी बात की गई है कि जो बुर्किना फासो है जो लास्ट 7 ईयर हो गए पिछले जो 7 सालों से, इसमें क्या है लगभग 2000 पीपल की मौत हो चुकी है और 22 मिलियन पीपल है जो क्या हो चुके हैं डिस्प्लेस हो चुके हैं। और तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो मिलिट्री है लार्ज स्केल पर जो सिविलियंस है ठीक है इन्फेक्टेड थे, अभी देख जो करप्शन था जिस तरीके का अभी गवर्नमेंट थी जो कोवर प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट थी उसमें क्या देखने को मिला कि जो मिलिट्री का करप्शन भी देखने को मिला कैन पर सिविलियंस पर, और साथ ही बहुत हाई लेवल पे इनएफिशिएंसी थी गवर्नमेंट की, करप्शन हमें देखने को मिला, और जो ग्रैंड रियालिटीज थी वो बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन बनी हुई थी कहां पर बुर्किना फासो में, जो गवर्नमेंट है वो करप्ट गवर्नमेंट थी। तो और इसमें हमें देखने को क्या मिला, जो कोरोना वायरस अभी जो प्रोटेस्ट किए वहां के सिविलियंस ने और क्या किया उन्होंने, जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें जो एसोसिएट इकोनॉमिक वॉर्स है, और जो अभी देखने को मिला कि जो वहां के पीपल थे बहुत ही ज्यादा इसमें फर्जाइल कंडीशन बन गई है इस पेंडेमिक में, तो इससे वहां की जो अपराइजिंग है, अपराइजिंग जो अभी वहां पर हमें सड़कों पर देखने को मिला था कहां बुर्किना फासो की जो राजधानी है ओगाडोगो इसकी जो कैपिटल में हमें देखने को मिला था कुछ दिन पहले जो मिलिट्री हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था जो सोल्जर थी आर्मी थी वो कहां प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है उसके राष्ट्रपति के आवास के आसपास आ गई थी इस प्रोटेस्ट हुआ था जब ये। तो अब आइए हम देखते हैं और हमें इस एडिटोरियल में क्या देखने को मिलता है कि जो वेस्ट अफ्रीका है हैज बीन अ सीरीज ऑफ सक्सेस को बिन रीसेंट किया, यानी जो पूरा हमें जो ये रीजन देखने को मिलता है, मैं आपको बताता हूँ मैप में कौन सा वाला रीजन की हम बात कर रहे हैं।
जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो रीजन आपको देखने मिल रहा है, ये वाला, ये वेस्ट अफ्रीका की बात हो रही, तो इसमें हमें बहुत सारे तख्ता पलट देखने को मिले हैं। तो कौन कौन से कंट्री में तख्ता पलट हुए हम देखते हैं, माली में देखी जाए जो सितंबर 2021 में कहां पर कैप्चर हुई थी, जो दुनिया की गनिया है, गनिया दुनिया की कमांड क्या हुई थी, कैप्चर हो गई थी, वहां की पावर भी किसे स्पेशल फोर्सेस ने गैदर कर ली थी वहां की। तो ये हमें ये कंट्री देखने को मिला। और माली की बात करें तो माली हमें कब है, माली में तो हमें सेकंड टाइम, एक साल में हमें दो बार वहां पर कू देखने को मिला। और साथ ही चार्ट की बात करें, चार्ट का जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अप्रैल में, तो उनकी मृत्यु हो गई, तो चार्ट में भी हमें देखने को मिला। और साथ ही सूडान हो गया, सूडान में तो हमें जो मिलिट्री है वहां पर जो पावर शेयर इनकी मिलिट्री ने क्या की थी, एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को क्या किया उन्होंने, टेकिंग द लीडर्स यानी जो पावर है अपने हाथों में ले ली, और जो एग्रीमेंट हुआ था पावर शेयरिंग का उसका क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया। और साथ ही हमें जो देखने को मिलता है, जो जर्नल्स होते हैं जो कैप्चर कर लेते हैं पावर, और धीरे धीरे जो कंट्री है वार्निंग अदर इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो जर्नल्स गैदर कर लेते हैं, और पूरा इस तरीके से हमें पूरा जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें हमें देखने को मिल रहा है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उनका क्या है, वो सही से काम ही नहीं कर पा रहे, और जो क्या हो रहा है वहां पर उनके तख्ता पलट हो रहे हैं, तो पूरा हमें कॉन्टिनेंट है वो अनस्टेबल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके जो पूरे इंसिडेंट हो रहे हैं। मैंने एक आपको आर्टिकल पढ़ाया था कि 2022 में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, तो 2022 में बात की गई थी कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें क्या हुआ, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। और हम बात करते हैं वाइल टेकिंग पावर द मिलिट्री लीडर प्रॉमिस इलेक्शन, जब मिलिट्री लीडर क्या होते हैं पावर में आते हैं, जो डेमोक्रेसी है उसका गला घोटते हुए ये अपने में पावर लेते हैं, तो ये क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम फिर से इलेक्शन कराएंगे। लेकिन होता क्या है, ये पावर को ग्रैब करते जाते हैं, टाइट करते जाते हैं अपनी ग्रैब का, और जो मतलब जो शक्तियां हैं और बढ़ाते जाते हैं, और साथ ही जो ट्रांसमिशन होना था, किसका ट्रांसमिशन होना था, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का, वो नहीं करते, बल्कि ये अपने आप में सारा कब्जा कर लेते हैं, पूरी शक्तियां अपने हाथ में रख लेते हैं। तो और साथ ही क्या होता है, जब डेमोक्रेसी नहीं होती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो फ्री पर्सनल लिबर्टी, ये सारी चीजें हैं जो जब एक डिग्निटी मैन एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए होनी चाहिए, तो ये सारी छिन जाती है जब इस तरीके के जो स्टेट जो आर्मी रूल आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जो अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द पीपल, जो पीपल है वहां के, उन्होंने अभी क्या वर्ष कंडीशन देखने को मिली वहां पर, जो एक तो उन्हें जिहादिस्ट ग्रुप है उनकी वजह से वो प्रताड़ित हो रहे थे, साथ ही जो गवर्नमेंट है वो भी इनसफिशिएंट थी, तो उसकी वजह से भी परेशान थी वहां की जनता। तो उन्होंने क्या समझा कि जो मैन इन यूनिफॉर्म है यानी जो आर्मी है, एटलीस्ट अगर वो आती है तो कम से कम हमें बेटर सिक्योरिटी तो मिलेगी, तो इसलिए जो वहां की जनता है, जो इनके सेपरेटिस्ट ग्रुप थे जो वहां पर हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। बट द सपोर्टर्स कुड शॉट बी लिफ्ट द पावर हंगरी, जनता टेररिस्ट मशीनरी स्प्रेड अक्रॉस द साहेल रीजन, साहेल रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें पूरे रीजन में आपको टेररिस्ट की जो मशीनरी है, जो वहां पर क्या हमें ग्राउंड मिल रहा है स्प्रेड होने का, और जो पॉलिटिकल डिवीजन है इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है उस तरीके की, और जो सपोर्ट की है अभी जो बाहर जनता ने जो सपोर्ट की है वो आ गया है वहां पर क्या जनता पावर, तो हमने जो पावर की जो हंगरी है भूखी है जो जनता, वो क्या होगी जो मिलिट्री पावर है वो अपने में सारी ले लेंगे, ना कि जो गवर्नमेंट अभी थी डेमोक्रेसी उससे छीन के वो सारी पावर मिलिट्री के हाथ में जाने वाली है, जनता को कुछ मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही खुशी मिलने वाली है। जो कूप है हमें देखने को मिला है इसमें क्या है, अभी बेसिकली जो कंट्रीज हो गए वो क्या है फेस कर रही थी बहुत ही ज्यादा क्राइसिस, जैसे कोरोना से पैंडेमिक की वजह से वहां की जनता बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में थी, हम और भुखमरी हो गया, ये सारी कंडीशन हमें वहां देखने को मिलती है। तो जो इस तरीके की जो जनता को जो वर्स कंडीशन देखने को मिलती है, ये मतलब जो लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो गई, ये भी उन्हें बहुत ही ज्यादा फ्रजाइल कंडीशन बनाती है, जो जनता हो गई वो मतलब जानती है कि नहीं कि हमारी जो
राजनीति में हमारे लिए क्या मतलब कौन कौन से अधिकार हमारे पास होने चाहिए। तो अगर पॉलिटिकल जो राजनीतिक लेजिटिमेसी में जो वीक रहती है जनता, तो उनके लिए ये कंडीशन जो अभी बन रही है बहुत ही ज्यादा वीक बनने वाली है। तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट वाला पार्ट हो गया वो पूरा ही अभी क्या फर्जाल कंडीशन में बना हुआ है।